क्योंकि जब जब हम राजनीति के चक्कर में गए तब तब हमारी समाज की ताकत कमजोर हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, इस देश में मनुवाद से लड़ाई को लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बसत्ते की कुर्सी पर बने रहना। कट्टर अम्बेडकरवादी बीड़ी सिगरेट शराब बियर बिस्की पान तम्बाकू गुटखा टच नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। देखिए, मुझे विधायक जनता ने चुना है और जिस जनता ने 5 साल के लिए विधायक चुना है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। रही बात समाज की लड़ाई की, वो मैं पहले से लड़ता हूँ, अब तो और ज़्यादा तेजी से लड़ूंगा, पूरे देश में जाकर लड़ूंगा। जिस जनता ने लेकिन मुझे वोट दिया है, उनको बीच में उनको कैसे छोड़ दूँ? आपको पता है मेरी विधानसभा में चुनाव के अंतिम दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा दिन लगाया, उसके बावजूद मुझे पिछली बार से भी 8,000 ज़्यादा वोट, 56,108 वोटों से जिस जनता ने जिताया। मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज है एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के नाते, मैं अपने क्षेत्र की जनता से धोखा नहीं कर सकता, इसलिए मैं एमएलए की पोस्ट से रिजाइन क्यों करूं? अभी आप इंतजार कीजिए, समाज की लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और समाज जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति में मुझे लगता है ऐसे लोगों को तैयार पूरे देश में जाके करना जरूरी है और हम पूरे देश में जाके अपने लोगों को तैयार करेंगे। 5,000 वकील हम आने वाले दो महीने के अंदर पूरे देश में तैयार करेंगे, अपने डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोफेसर्स साइंटिस्ट और अपना जो इंटेलेक्चुअल का एक टीम थिंक टैंक तैयार कर रहे हैं कहूँ या ये कह दूँ तैयार हो गया है। बहुत जल्दी समाज की लड़ाई को सही दिशा में, चूँकि लड़ाई भावनाओं से नहीं लड़ी जा सकती, लड़ाई ये बेसिकली दो चीज़ों के बीच है, किसी एक पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच है। इसको अगर आप पार्टियों में बांट के देखेंगे तो आपको पता लगेगा हर जगह एक ही विचारधारा के लोग हैं। ये लड़ाई बेसिकली अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच है और इस लड़ाई में अम्बेडकरवाद की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ना जरूरी है। उसके लिए अपने जैसे लोग पूरे देश में तैयार करने, इसको आप राजनीतिक दृष्टि में जाएंगे तो हमारा समाज की लड़ाई पीछे छूट जाएगी, क्योंकि जब जब हम राजनीति के चक्कर में गए तब तक हमारी समाज की ताकत कमजोर हुई है। राजनीति को अपने रास्ते पर चलने दो, लेकिन समाज की लड़ाई को किसी को तो आके लड़ना पड़ेगा ना। हमने संकल्प किया, हम टीम तैयार करेंगे पूरे देश के अंदर अपनी समाज की लड़ाई को, जो आए दिन जो जुल्म जाती समाज के ऊपर हो रही है, हमारा दिल दुखता है, आंखों में आंसू निकलते हैं, ऐसा लगता है सीना छलनी छलनी हुआ पड़ा है। क्या करेंगे मंत्री बने रह के एमपी एमएलए बने रह के अगर इस लड़ाई को लड़ पाए? मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, इस देश में मनुवाद से लड़ाई को लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बसत्ते की कुर्सी पर बने रहना। तो मुझे कुर्सी पे बने रहने, मैं आपको सच बताऊं तो मैं पहले से ही मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि जल्दी से मुझे रिजाइन करके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए पूरे देश में निकलना चाहिए। तो परिस्थिति ऐसी बनी कि एक तरफ अम्बेडकरवाद और तथागत बुद्ध का धम्म है और एक तरफ मंत्री पद की कुर्सी है, तो मुझे लगा कि मुझे मंत्री पद की कुर्सी को लात मार के अब अपने बाबा साहेब के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जो उस वक्त उचित लगा वो मैंने कर लिया, हो सकता है इसमें मेरे से अगर कोई गलती समाज को लगता हो कि समाज से पूछना चाहिए था तो मैं उसे अपनी गलती जरूर मान सकता हूँ कि मुझे समाज से नहीं पूछा मैंने। कल मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने नोटिस देकर के बुलाया, पूरी पार्टी रोड पे थी और आप 5 घंटे तक थाने में बैठ रहे, जिलाध्यक्ष भी नहीं पहुंचा पार्टी। लेकिन मेरे समाज के लोग पूरे देश में खड़े हैं ना, हमें पता है दलितों की लड़ाई दलित लड़ते हैं, हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, इतिहास गवाह है। तो हम अपने दम पे, हमारा समाज अपने दम पे लड़ाई लड़ता है, हमें किसी सहारों की जरूरत नहीं। समाज आपके साथ है, आप केजरीवाल साहब के साथ है? देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप बार बार राजनीति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, आप लड़ाई को राजनीति तक मोड़ने की बजाय समाज की लड़ाई को तैयार करने में सहयोग दें। सर, समाज में एक मैसेज नहीं जा पा रहा है कि ये दोनों लोग अलग अलग है। पहुंच जाएगा मैसेज, यू वेट फॉर सम टाइम। सर, जो 11 विधायक है दिल्ली में और भी ऐसी कैटेगरी से आते हैं, क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है और हर कोई अम्बेडकरवादी बन नहीं सकता, हर किसी के अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि अम्बेडकरवादी बन जाए। अम्बेडकरवादी कसौटी पे खड़ा उतरना बहुत बड़ी बात है। कट्टर अम्बेडकरवादी बीड़ी सिगरेट शराब बियर बिस्की पान तम्बाकू गुटखा टच नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी का हक नहीं मारता। तो इतना इतना तप कर, बड़े तप में तपना पड़ता, तब कोई अम्बेडकरवादी बनता है। पोषक कौन है? पूरे देश की सारी सरकारें उसका पोषक है, सारा सिस्टम उसका पोषक है। हमें तो कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर न्याय नजर नहीं आता आजकल। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे से आप एक नाम दिलवाना किस लिए चाह रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर हमें न्याय नजर नहीं आता,
उस व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग ज्यादा दिखते हैं और इस न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले कम दिखते हैं। मैं एक अंबेडकरवादी हूँ। देखिए, देखियो, व्यवस्था बदल जाती है अगर तो हमारे समाज को रोज रोज जो कत्ल हो रही है ना होते। अभी व्यवस्था बदली नहीं है और व्यवस्था को तो हम ही बदलेंगे। अब गुजरात का चुनाव है, छोड़िए राजनीति की बात, समाज की बात करिए ना। गुजरात के अंदर दलित लोग नहीं रहते क्या? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप बात को समझिए। राजनीति हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इमोशन से नहीं लड़ी जाती, राजनीति बुद्धि से चली जाती है और बुद्धि वाले लोग ही जीतते हैं। आप उसमें हमारे लोग ज्यादा तक नुकसान इसलिए उठाते हैं, वो हमारे लोग भावुक ज्यादा होते हैं। लड़ाई भावनाओं से नहीं लड़ी जाती, बुद्धि और विवेक से लड़ी जाती है। आप अगर सच्चे बुद्धि के अनुयायी बाबा साहब को मानने वाले हैं तो अपनी लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ो, भावनाओं में ज्यादा मत भाइए। मुझे लगता है हमें अपने समाज की ताकत को एकजुट करना चाहिए। जब समाज की ताकत एकजुट हो जाएगी तो बाकी को जवाब मिल जाएगा। नहीं नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा समाज अगर कहेगा तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि समाज मुझे कह रहा, मैं फिर भी चिपका रहा हूँ। सर, उस बात का तो आज भी सारा सब हस्पताल दे दिया गया है, तो जरूरत है समाज को ना, तो अच्छे लोग भेजेंगे ना, कट्टर अम्बेडकर भेजेंगे। अगर कट्टर अम्बेडकर राइट लोग ज्यादा राजनीति में जाएंगे, वो एमपी एमएलए बनेंगे, तो कम से कम वहाँ चुप तो नहीं बैठेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, लेकिन हमारे लोगों ने इतना पढ़ने के बाद बाकी का नहीं पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा था जिसकी सामाजिक ताकत मजबूत होती है उसकी राजनीति मजबूत होती है। तो अब अपनी समाज की ताकत को मजबूत करेंगे ना, ताकि हमारे लोग की राजनीति मजबूत रहे। सर, राजकुमार आनंद जी को मंत्रालय दे दिया गया है, उनको शुभकामनाएं, उनका नाम नॉमिनेट कर दिया है और जल्दी वो शपथ लेंगे और वो हमारे साथी हैं समाज के, उस नाते हम उसको हर प्रकार का सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि वो क्या 5 अक्टूबर को आपके दीक्षा वाले ग्राम में गए थे। हाँ, वो थे। क्या सर ये वक्त नहीं है जब सभी दलों को एक साथ आना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि बहुजन समाज की आवाज एक और भी। सच तो ये है कि बहुत सारी पार्टियों के लोग इस मुद्दे पर साथ आए हैं और लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप सामाजिक शक्ति को मजबूत करने में सहयोग करें, इसको बार बार राजनीतिक सवाल पूछ के सामाजिक लड़ाई को कमजोर ना करें। मेरे साथ पूरे देश के लोग खड़े, इसको भी राजनीतिक पार्टी में मत बांटिए। लेकिन सर, समाज के जो लोग हैं वो तो फ्री बिजली पानी में लगे हुए हैं आज भी। आप इंतजार करो, लोग हमारा समाज जाग रहा है और पूरे देश में अगर इतनी 22 प्रतिज्ञाएं पहली बार हुई हैं, इसका मतलब समाज जाग रहा है। उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। समाज अब और ज्यादा जून जाति बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इतना जाग रहा है, आने वाले समय में हर बुराई के खिलाफ सख्ती से खड़ा नजर आएगा। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि आप बार बार राजनीति में किस लिए ले जा रहे हैं। मैं नहीं दूंगा इस सवाल का जवाब, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका। मैंने अपनी मर्जी से इसलिए दिया है क्योंकि मुझे समाज की लड़ाई को लड़ना है। राजनीतिक मंत्री बने रहने के आदमी की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद एमएलए की कोई सीमा नहीं है। एमएलए सवाल पूछता है, मंत्री जवाब देता है, एमएलए तो मुद्दे उठाता है, तो अब हम समाज के मुद्दे पूरे देश में उठाएंगे। रोड पे तो एक अंबेडकर जो लड़ता आया आज तक, उसको और ज्यादा धार देंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और कोर्ट में वकालत करेंगे उनकी, अपने लोगों की। वकील के तौर पर कोर्ट में लड़ेंगे और एक एक्टिविस्ट के तौर पर सड़क पर लड़ेंगे और एक एमएलए के तौर पर विधानसभा के अंदर उठाएंगे। सर, तीनों मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। एक विधायक के तौर पर विधानसभा में समाज के मुद्दों को उठाएंगे, एक वकील के तौर पर न्यायालय में उठाएंगे और एक एक्टिविस्ट अंबेडकरवादी होने के नाते रोड पर उठाएंगे। इंतजार कीजिए, मैं अपने सुनिए, राजेंद्र गौतम के लिए कोई मुश्किल नहीं, राजेंद्र गौतम रहे ना रहे कोई बड़ी चीज नहीं है। राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है, ये विचारधारा मजबूत होनी चाहिए, विचारधारा बढ़नी चाहिए। राजेंद्र गौतम आज नहीं कल मर जाए, पर ये विचारधारा नहीं मरनी चाहिए।